हैदराबाद के चार मीनार की, मैं आपको वो पूरा मार्केट घुमाऊंगा जहां पर लोग खरीदी करने के लिए आते हैं। तो आइए मैं आपको घुमाता हूं वो मार्केट हैदराबाद का जो चार मीनार के नाम से मशहूर है। तो देखो चाचा कुछ बोल रहे हैं, दिखाइए, ये देखिए थैली दिखा रहे हैं। ओहो चार मीनार कितना का दिया चाचा? 100 rupees, ओनली 100 rupees। देखिए आप मुंबई से कंपेयर मत कीजिए, ना पुणे से, ना दिल्ली से, ना बेंगलोर से, हैदराबाद हैदराबाद है। 100 rupees में भी आपको थैली मिल सकती है। अरे ये खास चीज है, आओ इधर बताओ अंकल, कब से बेचते हो ये? इधर से आओ, नजदीक आओ, बताओ, इधर से आओ भाई, आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए ना, शुभारंभ। बड़ा खूबसूरत नाम है शुभारंभ। कितने साल से बेच रहे हैं? 20 साल से। तो इसको आपकी तेलुगु भाषा में बोल के दिखाइए कि मैं ये 20 साल से बेच रहा हूँ। बोलिए, इधर देख के बोलिए, 20 साल से बिल्कुल खोपरान के। जोर से बोलिए ना, खोपरान के 20 साल से। ये तेलुगु है? अरे तेलुगु में बोलिए, तेलुगु में होके तेलुगु नहीं आता। देखिए हम नाम रखते हैं कि मराठी होके मराठी नहीं आता, तेलुगु होके तेलुगु नहीं आता, लेकिन कुछ लोग ऐसे है हमारे यहाँ भी जो आसपास से आते हैं, आसपास के स्टेट से आते हैं, तो उनको कभी कभी हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, तेलुगु बोलने में तकलीफ होती है, मराठी बोलने में तकलीफ होती है, इंग्लिश बोलने में, क्योंकि उतना वो प्रोनाउंसिएशन बोल नहीं सकते। मराठी बोल सका तुम्हें? मराठी बोलते गए बोला ना मैं, इसको बोलिए आप कि आप कितने साल से बेच रहे हैं मराठी मुझे संगा? 20 वर्ष पासून। देखिए यहाँ भी कहीं ना कहीं झिझकी जा रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में काफी अरसे से। चलिए और मुलाकात करते हैं। ये अंकल क्या बेच रहे हैं? आइसक्रीम है। अच्छा पुलिस का गाड़ी भी आया है, चलो आओ दिखाते। देखो ये हजरत यहाँ बड़ा फेमस है, ये चूड़ी का बाजार है। नहीं आपको नहीं लूंगा सर, बिलफिक्र रहिए आप, उतना परहेज आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जरूरी है, मैं भी कोशिश करूंगा आगे। चलिए आइए, तो चलिए और भी हमको दिखा दें आपको चार मीनार। सर YouTube चैनल है हम लोग का, आप भी दिखेंगे, आप भी देखिए खबर खामगांव से YouTube चैनल पर कि हम चार मीनार का बाजार दिखा रहे हैं। मुंबई खाम अकोला बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर खामगांव अकोला से नजदीक है। हाँ महाराष्ट्र। चलिए और आगे दिखाते हैं, भाई चप्पल बेच रहे हैं। ओहो महाराष्ट्रियन बच्चा आंध्रा में। नांदेड़। अच्छा आपका नाम ही नांदेड़ है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा नाम ही नांदेड़ है। ओए हाय चलो बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ बच्चा कुछ तो भी जीत की निशानी दिखा रहा है कि आज बिजनेस अच्छा हुआ है बच्चे। हाँ हाँ चलो तुम भी लपेट के ब्लॉग बना रहे हो? लपेट 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 के नहीं बना रहे, घूम फिर के बना रहे आपसे बातचीत करके। रात में काली अलग को लगाता है भाई सर, वो उसको नंबर का है ना, पेन के देखेगा, ऐसे पेन के देख लो नंबर का है क्या नहीं है, सामने से बताओ सही दिख रहा है? पूरा नॉर्मल है, सब सही दिख रहा है। अरे नहीं ना सर, आप पता नहीं आप जानबूझ के बोल रहे हैं, आप पेन को देखो जी, नंबर ही नहीं है भैया। अरे यार बता दो आप, चलो नहीं है नंबर। और चलिए ये गूगल की एक दुकान है छोटी सी खूबसूरत, ओहो हैदराबाद के चार मीनार के पास। अच्छा अंकल भी कुछ बेच रहे हैं। ओहो सुई धागा है ये कुछ तो भी? स्टिचिंग। अच्छा स्टिचिंग बता करके। हाँ कितने का है ये? 250। मुंबई से महंगा है थोड़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोने की चैन है जो बेंटेक्स की होती है, जान तो वही बोलते हैं अनजान होगा। अच्छा ये बड़ी पुरानी दुकानें दिख रही है, ताज कंपनी कुरान इस्लामिक बुक अवेलेबल। ओके शफी बुक देखो। हाँ चलिए, मैं हमेशा सुनते हैं चाहे फिल्म दुनिया के ताल्लुक से कहो या पर्सनली, ये कसम हैदराबाद के चार मीनार की, मैं आपको आज उसके दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए बड़ा खूबसूरत मंजर है, बड़ा ज़बरदस्त मंजर है, हमेशा आपने सुना होगा फिल्म दुनिया में कसम हैदराबाद के चार मीनार की, लेकिन आज मैं आपको उसके दर्शन करवा रहा हूँ, दीदार करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं चार मीनार और कैसे आगे से खूबसूरत दिखता है। तो हम चार मीनार की बात कर रहे थे, फिलहाल हम हैदराबाद में है और चार मीनार के दर्शन आपको करवा रहे हैं। बहुत जल्दी YouTube चैनल पर देखिएगा हैदराबाद के चार मीनार कितने खूबसूरत है। आज वर्ष हजारी से,
और ये एक अनाउंसमेंट हुआ है कि 11 बजे बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, इसके लिए ये अनाउंसमेंट हो रहा है। पुलिस द्वारा ये एक डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, जो उसका वो ऐलान करवा रहे हैं कि 11 बजे पूरा बंद करना चाहिए। और 10:30 बजे एक अपील भी की है कि सभी से गुजारिश है कि वो 11 बजे तक के सभी शॉप बंद करवा दे। जी बिल्कुल, ये चार मीनार पुलिस का सायरन भी बज रहा है और उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट गुजारिश की गई है कि 11 बजे तक के बंद करवा दे। तो ये है काची घोड़ा हैदराबाद का, वो तीसरा ऐसा रेलवे स्टेशन जो काफ़ी मशहूर है और यहाँ पर लोग उतरते हैं ट्रेन से हैदराबाद आने के बाद। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल खबर खमगांव के माध्यम से एक रील बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हैदराबाद के थोड़े से मैं दर्शन करा सकूँ अपने मतलब मोबाइल के ज़रिए से। कि हाँ, ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा फ्लैग लगा हुआ है। ओहो बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हैदराबाद के। अब चार मीनार का भी मैं बड़ी जल्द आपको दीदार और दर्शन कराऊंगा कि हाँ, हम चार मीनार तक भी बहुत जल्द पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हैदराबाद का काची घोड़ा रेलवे स्टेशन है। हाँ, ये तो चूड़ियों के बगैर हैदराबाद अधूरा है, इसलिए मैंने चूड़ियों की दुकान भी आपको दिखा दी है। लॉक वाली चूड़ी, सादी चूड़ी, और कौन कौन सी चूड़ी है जी? सुबह मॉर्निंग में आ सकते हैं। अच्छा, हाँ, एक नंबर। हजरत ये चार मीनार का वो वेस्ट एरिया है जहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक जो है तो अपने उफान पर है। देखिए किस प्रकार से ट्रैफिक है, भरपूर ऑटो चल रहे हैं, बाइक चल रही है, कार चल रही है, तो भाई तो रॉन्ग साइड से जा रहे हैं। अच्छा, रॉन्ग साइड से भी लोग आने लगे हैं। इस साइड से हो जा भैया, ये वन वे था, अभी टू वे हो गया, पता नहीं है वन वे है या टू वे है, रॉन्ग साइड है या नहीं है पता नहीं है। ओहो, तो ये है चंद्रकांत पाटिल जो एक सिंगर है और ऑल ओवर इंडिया में ये घूमते हैं। ये फिलहाल हैदराबाद के काची घोड़ा स्टेशन पे मुलाकात हुई है। चलिए इनसे बात करते हैं। आपका बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रकांत पटेल। थोड़ा जोर से बोलिए। चंद्रकांत पटेल। अच्छा, आप सिंगिंग करते हैं? हाँ, सिंगिंग ओनली मुकेश का सिंगिंग। मुकेश के आप चाहने वाले हैं और मुकेश की ही आवाज़ में गाते हैं? हाँ, 30 सालों से गा रहे हैं। 30 सालों से आप गाने गा रहे हैं? ओनली मुकेश। हाँ। अच्छा, तो ऑल ओवर इंडिया जाते हैं आप? ऑल इंडिया। कहाँ कहाँ गए आप बताइए? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, जयपुर, बरेली। जयपुर, बरेली, पटना, दिल्ली, कोलकाता, खंडवा, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी। चलिए, खबर खामगांव से YouTube चैनल या Facebook से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये है सिंगर। तो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट कैसा है, लेकिन साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि चार मीनार के ठीक बगल वाली जो बिल्डिंग है वो उस्मानिया हॉस्पिटल के नाम से भी जानी जाती है। और एक उस्मानिया हॉस्पिटल और कहाँ है बता रहे थे आप? नज़दीक पास में है। अच्छा, और देखिए मैं साथ ही साथ बता दूं आपको कि ये उस्मानिया
हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है और बहुत मशहूर है, सारे डॉक्टर्स यहीं मिलेंगे, है ना जी। हाँ, और देखिए उसी के साथ साथ अब मैं आपको मेरे और राइट में घुमा रहा हूँ। तो ये है मस्जिद, मक्का मस्जिद, जो काफ़ी पुरानी है। हम अंदाज़ा लगा कर नहीं बता सकते कि ये कितनी पुरानी है, कितने साल पुरानी हो गई है, आप बता सकते हैं? अच्छा, ये मक्का मस्जिद है। अच्छा, ये दोनों बॉयज़ आज कुछ सिंगिंग कंपटीशन के लिए आए थे, इंडिया का चैंपियन, तो ये भी इंजॉय कर रहे हैं, कुछ ट्रॉफी वगैरह भी लेकर आए हैं। अच्छा, तो देखिए मक्का मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये उसका अहाता है, बड़ी खूबसूरत है, अंदर जाना मुश्किल है। ओहो, बिल्लियाँ, कैट, क्या बात है। अच्छा, तो चलिए, अच्छा अंदर सिक्योरिटी भी बैठी है। तो मैं आपको दिखा रहा था मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद, खूबसूरत नज़ारा। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको, ये मक्का मस्जिद का मेन गेट है जो फ़िलहाल ईशा के आसपास, ईशा के बाद बंद हो जाता है। तो चलिए, मैं अजहर जमादार फिर से आपसे बहुत जल्द कुछ ऐतिहासिक इमारतों के साथ आपको दर्शन कराऊंगा और फिर से मिलने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। मैं अजहर जमादार, खबर खानवा से, यूट्यूब चैनल और फेसबुक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द फिर से मुलाकात करूंगा इसी प्रकार की इमारतें लेके आऊँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू।